चिमूर तहसील के रामदेगी परिसर में मौजूद संग्रामगिरी तपोवन बुद्ध विहार को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। चिमूर तहसील के रामदेगी परिसर में मौजूद संग्रामगिरी तपोवन बुद्ध विहार ये पिछले लगभग 40 वर्षों से धम्म गतिविधियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाना जाता है और इस भूमि का विकास करने के लिए तथा इस परिसर को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग को लेकर बहुजन विचार बहुद्देशीय संस्था खड़संगी ने एक निवेदन द्वारा शासन से की है। गौरतलब है संग्रामगिरी यह देश विदेश धम्म गुरु तथा उपासकों के लिए प्रेरणा का स्थान है और इस भूमि को वंदन करने के लिए हर वर्ष धम्म समारोह आयोजित किया जाता है और इस समारोह में लाखों की संख्या में अनुयायी यहाँ पर पहुँचते हैं और इस परिसर में वन्य जीव मानव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से सौर कुंपन लगाने की मांग की गई। साथ ही इस विहार परिसर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाहिर करने की भी मांग की गई। निवेदन देते समय शिष्टमंडल में बहुजन विचार बहुद्देशीय संस्था खड़संगी के अध्यक्ष आशीष गजबीय, सचिव प्रशांत मेश्राम, पूर्वगामी पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद राउत, मयूर मेश्राम, धीरज संबरकर, प्रतीक औतकर, प्रतीक चिंचाड़कर, पीयूष रामटेके आदि उपस्थित थे। वहीं इस निवेदन के संबंध में जानकारी दी गई। चिमूर तालुक्यातील संग्रामगिरी बुद्ध विहार हे देश विदेशातील धम्म बांधवांचे प्रेरणास्थान असून या परिसराला पर्यटन क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे। याबाबत आज आम्ही शासन प्रशासनाला या परिसरात निर्माण होणाऱ्या वन्यजीव मानव संघर्ष टाळण्यासाठी सौर कुंपर लावण्याचं व या क्षेत्राला पर्यटन क्षेत्र घोषित करून येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी विकास कामे करण्याची मागणी निवेदनातून आज केली आहे। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सात की रिपोर्ट।